IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नीतीश कुमार अपने 130 समर्थक विधायकों को दो हवाई जहाजों में भरकर दिल्ली पहुंच गए हैं। आज वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर उनके सामने अपने समर्थक विधायकों की परेड करा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति से आज का समय मांगा। नीतीश को शाम 7 बजे के बाद का वक्त मिला है। नीतीश समर्थक 130 विधायकों में RJD, कांग्रेस, CPI और निर्दलीय विधायक हैं। नीतीश जल्द से जल्द सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी की ओर से हो रही देरी से विधायकों की खरीद फरोख्त का मौका मिलेगा। नीतीश कुमार का कहना है कि उनके पास बहुमत है, लेकिन कई लोग विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं। और हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने पटना से लेकर दिल्ली तक उसी हवाई जहाज में सफर किया जिसमें नीतीश समर्थक विधायक दिल्ली आ रहे थे। बिहार की सियासत में अद्भुत नजारा है। आसमान में नीतीश कुमार हैं और उनके साथ समर्थक विधायक, उनके 70 विधायक हैं जो दिल्ली कूच कर रहे हैं। नीतीश कुमार अगली सीट पे बैठे हुए लीड कर रहे हैं फ्रंट से। JDU के विधायक दल के नेता चुने गए हैं जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। केशरीनाथ त्रिपाठी जो बिहार के राज्यपाल हैं, उन्होंने अभी तक चूंकि कोई रूलिंग नहीं है कि जीतन राम मांझी को विधानसभा में अपना विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा या नीतीश कुमार को नया मुख्यमंत्री मनोनीत किया जाएगा, इस बाबत चूंकि एम्बिग्विटी है, मामला साफ नहीं है, तस्वीर साफ नहीं है, राज्यपाल की तरफ से कोई संस्तुति नहीं, और इसलिए उसके विरोध में नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ दिल्ली मार्च कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे वो और राष्ट्रपति से गुहार लगाएंगे कि आखिर किस बिना पर, जब उनके पास बहुमत है, करीब 130 के पास विधायक उनके पास है, तो क्यों उनको सरकार बनाने नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार ये भी शिकायत करेंगे राष्ट्रपति से कि बहुमत की अनदेखी की जा रही है बिहार में, और निश्चित रूप से एक नए समीकरण का उदय भी हो रहा है क्योंकि RJD, कांग्रेस, CPI, निर्दलीय और JDU के मिलाकर के कुल विधायकों की संख्या 131 हो रही है। हम आपको कुछ विधायकों से मिलवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं आपको कि वो क्या सोचते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं और क्यों वो जा रहे हैं। 5 बजे की फ्लाइट से लगभग 62 विधायक पहले ही जा चुके हैं। कुछ और विधायक हैं, हम बात उनसे करते हैं, आपसे बात करवाने की कोशिश करते हैं उनसे। एक बार बताइए कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ परेड करने। बिहार में मैंडेट होने के बाद, बहुमत होने के बाद भी नीतीश जी को ओथ नहीं दिलाया जा रहा है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ अपना बहुमत दिखाने। कितने विधायकों का समर्थन आप लोगों को प्राप्त? 130 विधायक का समर्थन प्राप्त है और अभी तक शपथ ग्रहण में अन्य क्षेत्रीय विलम्ब के कारण हम लोग जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे विधायक हैं, ललन सिंह जी हैं यहाँ पर, और ये सारे लोग जा रहे हैं, एकजुट होकर के जा रहे हैं, और ये लोग कोशिश ये करेंगे राष्ट्रपति के पास जा करके कि इनको सदन के अंदर बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए। राष्ट्रपति की तरफ से इन लोगों की मांग है कि निर्देश दिया जाए राज्यपाल के माध्यम से कि सदन के अंदर जीतन राम मांझी बहुमत साबित करें या फिर नीतीश कुमार को जल्दी से जल्दी नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन्वाइट किया जाए राज्यपाल की तरफ से। हालांकि अभी तक इस बाबत कोई रूलिंग नहीं आई है और उसी का विरोध करने के लिए चौधरी जी हैं, विजय चौधरी जी। ये कहा ये भी जा रहा था, नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि अगर सरकार बनाने नहीं दिया जाएगा तो जब सत्र चलेगा तो विजय कुमार चौधरी जी को नेता विपक्ष के पद के लिए नामित करेंगे। वो एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाएगी जब नेता विपक्ष BJP का है, JDU सरकार में भी रहेगी, JDU नेता विपक्ष के पद के लिए भी क्लेम करेगी, तो एक तरह से अजीब सी स्थिति बिहार की राजनीति में पैदा हो गई है। नीतीश कुमार दबाव बनाने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीती है, BJP थोड़ा बैकफुट पर है। नीतीश कुमार और BJP की राइवलरी किसी से छुपी नहीं है। इस बीच नीतीश का दिल्ली पहुंचना सियासी रूप से भी कई बातें कह रहा है। कैमरामैन अश्विनी के साथ अरुण सिंह, IBN 7। तो सीधे हवाई विमान से ज्यादा अपडेट दे रहे थे हमारे सहयोगी अरुण सिंह। ग्रेटर नोएडा के होटल में ठहरे नीतीश और समर्थक विधायकों से बात की हमारे सहयोगी मारिया शकील ने। आप लोग यहाँ पर आए हैं, राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट 7 बजे का है, आप लोग बिहार में मिले थे गवर्नर से भी, इंतजार क्यों नहीं किया, राष्ट्रपति से मुलाकात करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बिहार में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है और पहली बार इतना दिनों से लगातार बिहार में अल्पमत की सरकारें चल रही हैं और बिहार में जो सरकारें चल रही हैं वर्तमान में, वो सरकार बिहार की विधि व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है।
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम हो रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी कोई और नहीं है, आप ही के जेडीयू के मंत्री हैं, जेडीयू वो नीतीश कुमार ने ही उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। क्या नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर बनाया था कि वो नक्सली को बढ़ावा दे? क्या नीतीश कुमार ने इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया कि वो नक्सलियों के द्वारा ली जा रही है लेवी का वो समर्थन करे? क्या नीतीश कुमार ने इसलिए बनाया था? जवाब तो नीतीश कुमार को देना चाहिए। नहीं, देखिए, एक कल्पना होती है कि हम जिस व्यक्ति को सत्ता सौंप रहे हैं वह व्यक्ति बिहार के 11 करोड़ आबादी की मान सम्मान का रक्षा करेगा, लेकिन वह व्यक्ति उस पर खड़ा नहीं उतरा, तो नीतीश कुमार के द्वारा ही निर्णय लिया गया कि यह बिहार का अपमान है और हम ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लग रहा है नीतीश कुमार पे कि वो सत्ता से बाहर नहीं रह सकते, इसीलिए ये कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इरादा तो नीतीश को हटा सकता था, पूर्ण बहुमत माननीय नीतीश कुमार जी के पास था, स्वयं उन्होंने जो है मांझी जी को जो है कुर्सी पर बैठाया। अब सपना में भी कोई नहीं सोचा था कि इतने बड़े जो है गद्दारू निकलेंगे, और जो अभी जो है बिहार पहले क्यों हटे थे, जब में जब इतना खराब परफॉर्मेंस हुआ था जेडीयू का, उसके बाद उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और उसके बाद रिजाइन किया था, उसके बाद जीतन राम मांझी को बनाया था। देखिए, जब लोकसभा के चुनाव हुए उसमें बिहार में हम लोग का जेडीयू का बुरा पराजय हुआ, और जो नीतीश कुमार ने विकास किया, जिस तरह से काम किया, एक मन में तकलीफ हुई, और नैतिकता के आधार पर उन्होंने कहा कि जनता ने हमको अस्वीकार किया है, इसलिए मॉरलिटी ग्राउंड पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जो बिहार में सिर्फ विषम परिस्थिति आई और जिस तरह बीजेपी ने लगातार जेडीयू को तोड़ने का प्रयास किया, जिस तरह अभिन जेबीएम को तोड़ने का झारखंड में बीजेपी ने प्रयास किया है, वही स्थिति जनता दल यू को भी, तो हमारे सामने दो संकट सामने खड़े हो गए। एक तो बिहार के आम आवाम को लेकर हुई, दूसरी पार्टी को तोड़ने की जो साजिश हो रही थी उसको लेकर हुआ। तो हमारा नेतृत्व पूरे विधायकों ने कहा कि नहीं, अब आप बिहार का नेतृत्व संभालिए। और आइए अब सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी एहतशाम खान का। एहतशाम, जानना चाहेंगे इस वक्त वहाँ पे किस तरह की सुगबुगाहट, किस तरह की खबरें? देखिए, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे रोका गया है, ये जितने विधायक आए हुए हैं नीतीश कुमार के समर्थन में, सबसे ज़्यादा विधायक यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में जो होटल रेडिसन है वहाँ पे रुके हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी कई जगह पे रोका गया है कुछ विधायकों को। इनका दावा है कि 130 विधायक नीतीश कुमार के साथ हैं, उसमें से 128 यहाँ दिल्ली आ चुके हैं और 2 थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो इन सभी की मुलाकात आज राष्ट्रपति से शाम को 7 बजे का समय तय हुआ है, उस वक्त ये मुलाकात करेंगे वहाँ पर, और ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इनकी ये शिकायत है कि गवर्नर वहां पर बिहार में इनको सही रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, इतना समय बीत गया लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस बाबत कुछ नहीं किया है, जबकि राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है बिहार में। और इन लोगों का ऐसा आरोप है कि शायद बीजेपी के इशारे पर गवर्नर काम कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को यहाँ राष्ट्रपति के पास आना पड़ा। जी एहतशाम, आप नज़र बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। और इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी और अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर विनोद अग्निहोत्री जी। रामकृपाल जी, मैं सोच रही थी कि आज शाम को कहीं रास्ते तो नहीं मिल जाएंगे नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल के? 6:30 बजे का वक्त वो राष्ट्रपति से मिलेंगे, 7 बजे के आसपास का वक्त जब नीतीश कुमार राष्ट्रपति से मिलेंगे, देखिए क्या होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये समस्या सुलझ जाएगी, क्योंकि कल जिस तरह की वर्डिक्ट दिल्ली में आई है उसके बाद बीजेपी शायद ही किसी तरह का ऐसा कोई काम करे जिससे उसकी छवि पे असर पड़े। बीजेपी वैसे चाहती भी नहीं है कि नहीं, इसीलिए मेरा कहना है तो, और एक बीजेपी की तरफ से भी प्रेशर होगा केसरीनाथ जी पर भी कि भाई फेयर प्ले कीजिए, आपके किसी आचरण से बीजेपी को नुकसान न उठाना पड़े। मुझे लगता है ये वैसे चला गया होगा, लेकिन देखिए हर चीज़ में राज्यपाल पर ही उंगली उठाना भी ठीक नहीं है, एक सांविधानिक प्रक्रिया होती है। आज की तारीख में मांझी मुख्यमंत्री हैं टेक्निकली, आप चाहे उनके साथ कोई हो नहीं हो, दो ही तरीका होता है कि या तो राज्यपाल उनको बर्खास्त करे, तो उसके भी एक पूरी राज्यपाल को पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि राज्यपाल का विशेषाधिकार भी कोई वो एक मतलब उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा अधिकार को भी, उसके लिए ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी, क्या किन ग्राउंड पे किया है कैसे किया है, उसकी पूरी जवाबदेही होती है प्रेसिडेंट के प्रति। दूसरा ये होता है कि भाई राज्यपाल उनसे कहे कि आप बहुमत साबित करो, तो मुझे लगता है कि अब ये गन पॉइंट पर नहीं कहा जा सकता कि बस मेरी मर्जी है आज ही तुरंत कर दीजिए,
अल्टीमेटली होगा, देखिए बाजी जी बहुमत माना जा रहा था कि कलकत्ता में क्योंकि गवर्नर थे त्रिपाठी जी और सोमवार को उनको लौटना था पटना, तो ये उम्मीद थी कि अगर चलिए जैसा कि रामकृपाल जी कह रहे हैं कि तुरंत कोई बात नहीं कहते, लेकिन आश्वासित तो कर सकते थे नीतीश कुमार को ताकि यहाँ दिल्ली आने तक की नौबत नहीं पड़ती। देखिए रामकृपाल जी जो कह रहे हैं वो सैद्धांतिक स्थिति है, व्यवहारिक स्थिति ये है कि राज्यपाल वही करते हैं जो केंद्र सरकार की इच्छा होती है, इसमें ये व्यवहारिक स्थिति है, चाहे कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही हो या यूनाइटेड फ्रंट की रही हो या अब हो तो, और इस क्योंकि अपॉइंटेड होते हैं माना जाता है केंद्र सरकार का एजेंट माना जाता है, एजेंट मतलब नेगेटिव टर्म में नहीं, मतलब एक व्यक्ति कस्टोडियन के रूप में जो वहाँ केंद्र सरकार के रूप में बैठ के एक प्रतिनिधि आप कह दीजिए उसको, एजेंट थोड़ा उसको नकारात्मक रूप में ले लिया जाता है लेकिन शब्द यही है। दरअसल क्या है कि चूंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान और प्रधानमंत्री जी स्वयं इस मामले में कोई तय नहीं करेंगे कि क्या करना है बिहार का, दिल्ली के नतीजों से पहले कुछ सोच दूसरा रहा होगा कि इसको उलझाना है, लटकाना है, नीतीश कुमार को नहीं देना है, क्या करना है। अब नतीजे आने के बाद जब समीक्षा हो रही होगी तो शायद कुछ और हो सकता है, जैसा रामगोपाल जी कह रहे हैं कुछ गुड सेंस प्रिवेल करे और भाजपा अपने छवि की चिंता करे, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल तभी कोई निर्णय लेंगे जब यहाँ से कोई डायरेक्शन मौखिक रूप से होगा कि भाई क्या करना है। क्योंकि अगर राज्यपाल को अपने विवेक से निर्णय लेना होता तो 130 विधायक जब गए थे, मैं उदाहरण देता हूँ कि जब पार्टियों में टूट होती सरकारों में तो राज्यपाल तुरंत अगर कोई स्प्लिंटर ग्रुप जाके उनसे मिलता है कि सरकार ने बहुमत खो दिया है, जैसे उत्तर प्रदेश में कई बार ये हो चुका है, तो राज्यपाल का बिल्कुल ठीक होता, बोमई केस में फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि अब आप 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम देते हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री को बुला के भाई आपको कितना समय चाहिए और बहुमत सिद्ध कर दीजिए सदन में, उसके बाद सदन फैसला करेगा। लेकिन अभी तक उन्होंने ये भी नहीं किया है, मतलब वो ये भी कह सकते थे कि भाई 20 तारीख से सदन है उसी दिन पहले दिन बहुमत सिद्ध कर दीजिए, मतलब कुछ कह तो कुछ अभी तक नहीं कहा, तो मौन उनका जो है तो निश्चित रूप से मौन एक जो दूसरी पार्टी है जो एग्रीव्ड पार्टी है नीतीश कुमार का जो उनके मन में अगर संदेह उत्पन्न करता है तो उसमें कहीं उसका एक आधार बन जाता है। संदेह के अलावा हो सकता है उनको कोई अंदर खाने फिलर भी मिला हो, क्योंकि जिस तरह से 130 को लेकर के आए हैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर खाने कुछ उनको पता भी चला होगा, कोई सबोटाज या कोई और चीज नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो बिल्कुल विनोद सही कह रहे हैं, चर्चा करेंगे दो मंत्रियों की सिफारिश की, मांझी ने आप बर्खास्त करिए, राज्यपाल ने कर भी दिया, डिले नहीं करना चाहिए। डिले में क्या होता है फिर खरीद फरोख्त की संभावनाएं बढ़ जाती है, हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ जाती है जितना आप डिले करेंगे, ये एक समस्या तो है। तो वो इसलिए जिस तरह की राजनीति देश में होती रही है जोड़ तोड़ की, उसमें उनकी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता, इसलिए नीतीश कुमार अपना पूरा केस बना रहे हैं। वो राष्ट्रपति के यहाँ तक जाकर के उसके बाद अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिल्ली के नतीजों से कोई सबक न लेकर के और वही करता है जिसकी आशंका है तो फिर नीतीश कुमार को जनता के बीच जाने का एक आधार मिलेगा, विक्टिम भी बनेंगे। और इसलिए सब कुछ यहाँ पे निर्भर करता है कि बीजेपी के नफे नुकसान की बात क्या है, और शायद खुद नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि अब जब मैं जनता के बीच जाऊं तो विक्टिम बन के जाऊं कि मुझे मौका नहीं दिया गया, मेरे पास तो बहुमत था। तो बिहार में सरकार को लेकर संकट पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री श्याम रजक से बात की हमारे सहयोगी एहतशाम खान ने। जेडीयू के जो विधायक दिल्ली में इस वक्त आए हुए हैं हमारे साथ बात करने के लिए, श्याम रजक जी हैं जो कि राष्ट्रीय महासचिव और साथ ही पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में। ये बताइए कि यहाँ आने का क्या मकसद है आप लोग? मकसद ये है कि हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी के सामने 130 विधायक के साथ हम लोग गए थे, और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, शरद यादव जी, कांग्रेस के प्रतिनिधि, हमारे निर्दलीय और हमारे सीपीआई के तमाम लोग गए थे, और उनसे कहा था कि बहुमत हमारे पास है, आप तय कर दीजिए, या तो उनको बहुमत सिद्ध करने के लिए 24 घंटे के अंदर समय दे दीजिए, या अगर आपको विश्वास है 130 हम गिनती करा रहे हैं तो आप हमको नीतीश कुमार जी को शपथ दिलाने का काम कीजिए ताकि फ्लोर पर ये विश्वास बताए। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद, लगभग 48 घंटा से ज़्यादा बीत गया, लेकिन उनका कोई निर्णय नहीं आया, तो हम लोग को लगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी से हस्तक्षेप के लिए गुहार करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल का ही महत्व है और संख्या बल नीतीश कुमार जी के साथ है, इसलिए कहीं किसी तरह से कोई साजिश करके भारतीय जनता पार्टी कुछ काम करे, बिहार की छवि को खराब करे, तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने महामहिम। लेकिन राष्ट्रपति के पास आने का मतलब क्या आप लोगों को गवर्नर पर विश्वास नहीं रहा? नहीं, विश्वास अविश्वास का सवाल नहीं है, हम लोगों ने एक समय दिया, उस समय तक उन्होंने निर्णय नहीं दिया, तो मेरी जिम्मेवारी है कि उनके ऊपर महामहिम राष्ट्रपति जी को हम गुहार लगाएं और अपने बारे में बताने का काम करें। तो कितने विधायक यहां आए हुए हैं जो आपके साथ और नीतीश कुमार के? 130 विधायक पूरे हमारे
राजद के, जनता दल यू के, कांग्रेस के, सीपीआई के और एक निर्दलीय 130 विधायक हमारे यहाँ पर आए हुए। लोकतंत्र में संख्या बल ही सबसे ऊपर होती है, राम कृपाल जी, और यही हवाला दे रहे अभी सभी नीतीश समर्थक। सही है, अब उनके साथ संख्या बल है तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र में यही तो होता है कि मेरे साथ बहुमत है, मेरा हक है, और वाकई उनका हक है, आज की तारीख में हक है। तो जो भी ये डिले हो रहा है वो जनता की निगाह में अगर जनता देखेगी तो मानेगी कि अन्याय है ये। इसलिए जो अभी विनोद जी भी बात कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इसको करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें निगेटिव इमेज बनाती हैं। तो जो भी फैसला लेने वाला है उसको जब दिख रहा है कि 130 विधायक उनके साथ जा रहे हैं, तो चाहे वो गलत हो या सही हो, आज की तारीख में बहुमत नीतीश कुमार के साथ है। आप राज्यपाल बहुमत न घटा सकता है न जोड़ सकता है, उनका हक है, और जितनी देर वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, गलत हो रहा है, तो तुरंत निर्णय करना चाहिए उसको। तो विनोद जी, क्या आपको लगता है कि ये जो हालात अभी बन रहे हैं, अब तक जो जेडीयू थी बिहार में वो स्पेंट फोर्स थी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो परिस्थिति है टर्निंग पॉइंट हो सकती है? निश्चित रूप से, अभी रामगोपाल जी हम लोग ब्रेक में एक बात कह रहे थे जिसमें रामगोपाल जी ने कहा था कि अगर ज्यादा इस तरह से देर की गई तो नीतीश कुमार को भी अरविंद केजरीवाल बना दिया जाएगा। मतलब क्योंकि जो बेचारा जिस देश में जब जिसके प्रति जो विक्टिम होता है उसके प्रति एक सहानुभूति पैदा होती है, ये हम लोग लगातार देख चुके हैं, आज से नहीं लगातार। जब अगर बहुत पीछे न जाए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने से देख लीजिए, राजीव गांधी के तमाम लोगों ने उन पर बड़े हमले किए, वो सहानुभूति लहर मिली उनको। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के बहुत कांग्रेस ने वो किया, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये फिर सोनिया गांधी को लेकर के उस समय 2004 में तमाम तरह के अटैक किए, उसका फायदा मिला कांग्रेस को। मनमोहन सिंह को 2009 में जो है बेचारा बनाया, उनको कमजोर कमजोर प्रधानमंत्री, उसका फायदा मिला आडवाणी जी ने। अब नीतीश कुमार का हमारे सामने बिल्कुल ताजा उदाहरण है, मोदी को जिस तरह घेरा गया उसका फायदा मिला नरेंद्र मोदी को। तो इस देश में ये सबक पार्टियों को लेना चाहिए कि आप अपने प्रतिद्वंदी को बेचारा न बनने दें, उसका जो जायज हक है, संवैधानिक हक है, उसको अगर मिल जाएगा तो जनता संतुष्ट हो जाती है, फिर मेरिट पर लड़ाई होती है। तो अगर भाजपा बिहार में मेरिट पे जाना चाहती है तो नीतीश कुमार को बेचारा न बनने दे, और नहीं तो फिर देखिए लड़ाई यहाँ पे हक की और संख्या की है। ब्रिटेन की संसद में एक दरवाजे पर ही एक लिखा हुआ है लोकतंत्र के बारे में कि मैं तुमसे असहमत हूँ, तुम्हारा विरोधी हूँ, लेकिन एक वादा करता हूँ कि तुम्हारे हक की लड़ाई के लिए, तुम्हारे वाक स्वातंत्र के लिए मैं जीवंत लड़ता रहूंगा। एक्चुअली यही है रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी। आप जो चीज बिल्कुल जनता देख रही है, क्योंकि देखिए जनता से बड़ा कोई जज नहीं होता है, ये कल पता लग गया। हाँ एग्जैक्टली तो आप जनता जो फैसला कर सुना रही है, एक तरह से जो बहुमत जिसके साथ है, आप उसको डिले जितना करोगे आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे हमेशा। और ये डिले हमने कहीं देखा भी था दिल्ली के चुनावों को लेकर भी, कहीं ये फिर से वही। अभी बोली बात इस पर वापस आती हूँ, काफी इंटरेस्टिंग बात बोली है यहाँ पे हमारे दोनों मेहमान ने, आगे भी चर्चा करेंगे कि बिहार की आगे जाके तस्वीर क्या हो सकती है, क्या ये परिस्थिति वाकई में टर्निंग पॉइंट है नीतीश कुमार के लिए, कौन इस परिस्थिति का फायदा उठा सकता है।